हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉमिनलाइजेशन। नॉमिनलाइजेशन क्या होता है? इसमें हम वर्ब्स को नाउन में चेंज करते हैं। वर्ब्स को हम मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन्स में चेंज करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो रेडिकल होते हैं हमारे वर्ब्स के, उनमें हम सफिक्स ऐड करके उन्हें नाउन बनाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है नॉमिनलाइजेशन। नॉमिनलाइजेशन एस एन प्रोसेस दे फॉर्मेशन दे वर्ब ए ओ नोम। इसका मतलब है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वर्ब्स टू नाउन। बस नॉमिनलाइजेशन की ये डेफिनेशन थी। आगे देखिए, ले नॉमिनलाइजेशन दे वर्ब ए डू फर्स्ट सेकेंड ए थर्ड ग्रुप ए। यहाँ पर जो हम नॉमिनलाइजेशन करेंगे वो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ग्रुप ऑफ वर्ब का करेंगे। तो यहाँ कुछ रूल्स दिए हैं, ये है रेडिकल डू वर्ब ए से टर्मिनो पार ओ पार ओ कंसोने प्लस ए टी आई ओ एन। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगी फेमिनिन नाउन, नॉम फेमिनिन। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ लिखा है रेपारे प्लस ए टी आई ओ एन गिव्स रेपरेसियो। ठीक है, रिपारे क्या था, ये था हमारे वर्ब का रेडिकल। इसमें से हमने ER हटा दिया है वर्ब में से, तो ये बचा क्या, रेडिकल। उसमें हम ऐड करेंगे सफिक्स ATION, तो जो हमें देगा नाउन। और यहाँ जो नाउन बन रही है वो है फेमिनिन नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल, सेपारे प्लस ATION गिव्स अस सेपरासियो। प्रिपारे प्लस ATION गिव्स अस प्रिपरासियो। सिमिलरली यहाँ कुछ और एग्जाम्पल हैं वर्ब्स के, जैसे ये दिए हैं रिप्रेजेंटे सेगमेंटे सेग्रीगे, जिनमें आप ATION ऐड करके उनका फेमिनिन नाउन बना सकते हैं। यहाँ लिखा है रेडिकल डू वर्ब ए से टर्मिनो पा वीन वोयल प्लस TION नॉम फेमिनिन। मतलब अब आपको जो भी रेडिकल है आपका वर्ब का वोवेल आएगा तो आप उसमें TION ऐड करेंगे और जो वर्ब नाउन बनेगा वो आपका फेमिनिन नाउन होगा। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ लिखा है पॉल्यूए। पॉल्यूए मींस टू पॉल्यूट। ये जो पॉल्यूर वर्ब है उसका रेडिकल है और उसके एंड में आप देख सकते हैं यहाँ वोवेल है यू। तो जब वोवेल दिया है तो हम उसमें TION ऐड करेंगे और जो नाउन बनेगी फेमिनिन नाउन वो बनेगी पॉल्यूएशन, पॉल्यूएशन। ओके, नेक्स्ट इज डेमिने। डेमिने का मतलब होता है टू डिमिनिश। डेमिने प्लस TION गिव्स अस डेमिनिशियो। यहाँ पर भी डेमिने में रेडिकल के एंड में वोवेल है। ठीक है, नेक्स्ट इज इवेल्युए। रेडिकल के एंड में वोवेल है प्लस TION, तो इवाल्यूशन। इसी के जैसी वर्ब्स है इवाल्युए रिवाल्युए, जिनमें आप TION ऐड करके फेमिनिन नाउन बनाएंगे। थर्ड रूल यहाँ पर लिखा है रेडिकल डू वर्ब ए प्लस ENENT गिव्स नॉम मैस्कुलिन। यानी कि अब जो रेडिकल आएगा वर्ब का उसमें हम ENENT ऐड करके मैस्कुलिन नाउन बनाएंगे। एग्जांपल्स देखते हैं, एबोर्जे। एबोर्जे का मतलब होता है टू रिसाइड। जब इसमें हम सफिक्स ENENT ऐड करेंगे तो ये बनेगा एबोर्जमो। ओके, नेक्स्ट इज टेले चार्जे। टेले चार्जे का मतलब होता है टू डाउनलोड। टेले चार्जे में ENENT सफिक्स ऐड करेंगे तो ये बनेगा टेले चार्जमो। नेक्स्ट इज शॉन्जे। शॉन्जे इज टू चेंज। उसमें हम ENENT ऐड करेंगे तो ये बनेगा शॉन्जमो। इसी के जैसे सिमिलर वर्ब्स हैं ये त्रेते रेजिन्ये ओसिन्ये। त्रेते मतलब टू ट्रीट, रेजिन्ये मतलब टू इन्फॉर्म एंड ओसिन्ये मीन्स टू टीच। उसमें ENENT यू ऐड करके उनका मैस्कुलिन नाउन बना सकते हैं। नेक्स्ट इज दे वर्ब ए डू ओथर ग्रुप्स। अब यहाँ कुछ अदर ग्रुप्स की वर्ब्स लिखी हैं और यहाँ पे वो जो है एक्सेप्शंस भी हैं कुछ। यहाँ लिखा है पुनी। पुनी मतलब टू पनिश। पुनिर वर्ब होती है पुनिर,
ये वर्ब का रेडिकल लिखा है, इसमें हम जब टी आई ओ एन ऐड करेंगे तो ये बनेगा पुनीस्यों। नेक्स्ट इज फिनी, फिनी मीन्स टू फिनिश। फिनी में जब हम सफिक्स टी आई ओ एन ऐड करेंगे तो ये बनेगा फिनिस्यों। एबोली प्लस टी आई ओ एन अबोलिस्यो, इसी के जैसी वर्ब्स ये लिखी हैं, अकम्पली डेफिनी एगोनी। एगोनी मीन्स टू शो सैडनेस। जब आप इन तीनों वर्ब्स में टी आई ओ एन ऐड करेंगे तो आप बना सकेंगे नाउन्स। यहाँ लिखा है कॉम्प्रोमेंट प्लस आई डबल एस आई ओ एन, तो ये बन गया कॉम्प्रोमिस्यो, कॉम्प्रोमिस्यो। नेक्स्ट इज परमैत्र, परमैत्र प्लस आई डबल एस आई ओ एन, तो परमेस्यो मीन्स परमिशन। सोमैत्र प्लस आई डबल एस आई ओ एन सफिक्स, ये सफिक्स ये रेडिकल, तो ये बन सोमिस्यो। कुछ अतोंद प्लस ए एन सी, तो यहाँ बना अतोंदो अतोंद। ओके नेक्स्ट वन इज कम्बात प्लस ए एन टी ई, तो कम्बातोंद। देबान प्लस ए एन टी ई देबातोंद। आई थिंक ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।